हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक इस टाइप का एम्पलीफायर बोर्ड बनाया था, तो आज हम इसका यूज़ करके एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम जो हमने इस बोर्ड को बनाया था, एम्पलीफायर बोर्ड को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हो। और दोस्तों, मैं इनके ऊपर पहले ही वीडियो को बना कर रखा हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो इसका कनेक्शन करने के लिए वायर लेंगे, पावर देने के लिए बैटरी लेंगे, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लेंगे, और हम लेंगे एक स्पीकर जो मैं ले लूँ, देख सकते हो। और इन सबको फिट करने के लिए हमें चाहिए एक इंक्लोजर जो मैं बना कर रखा हूँ पीवीसी शीट से। मैं कुछ कटिंग करके रखा हूँ, यहाँ पर एक ऊपर में एक और साइड में चार। तो इन सबको हम यहाँ पर फिट करेंगे। तो पहले साइड में करेंगे, स्विच को भी साइड में कर देंगे, तो स्विच बराबर चिपक रहा है। तो हम इसका ढक्कन को खोलेंगे इंक्लोजर का, और हम स्पीकर को इसके अंदर के साइड में फिट करेंगे। तो आप चाहो तो बाहर साइड में भी कर सकते हो, मैं इसको अंदर साइड में करूँगा, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और हम इसको नट बोल्ट के द्वारा फटाफट टाइट कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मैं नट बोल्ट के द्वारा फिक्स कर दिया हूँ, देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट है स्पीकर में पावर देने के लिए, तो मैं वायर लूँगा और इसको सोल्डरिंग कर दूँगा। तो मैं फटाफट सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों, वायर हमने सोल्डरिंग कर दिया, देख सकते हो दो वायर है, छोटा मैं वायर यूज़ किया हूँ, आप चाहे तो बड़ा वायर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्विच है, यहाँ पर हमने दो पॉइंट में ऊपर वायर को सोल्डरिंग करना है। तो मैं इसको रखूँगा, ये चिपक जाएगा, और हम दो वायर सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों, स्विच में हमने वायर सोल्डरिंग कर दिया है, और स्विच को हम बाहर में इससे ऊपर में चिपकाएंगे। तो इस होल के द्वारा वायर को हम निकाल लेंगे नीचे साइड में, और इसको यहाँ पर फेंक के द्वारा चिपकाएंगे, लेकिन बाद में कनेक्शन करने के बाद। तो अब हम बैटरी को लेंगे और बैटरी के ऊपर वायर सोल्डिंग करेंगे। तो बड़ा वाला वायर सोल्डिंग करेंगे, तो रेड है पॉजिटिव, ब्लैक है नेगेटिव। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए सोल्डिंग कर देना है। तो मैं कर दूंगा फटाफट। तो ये हमारा हो चुका है दोनों ही। तो रेड है पॉजिटिव, ये है चार्जिंग पिन यानी सॉकेट, देख सकते हो। इसमें भी रेड है पॉजिटिव, ब्लैक है नेगेटिव। तो मैं इसको यहाँ पर फिट करूँगा और फेक कलर चिपका दूंगा। तो दोस्तों, इन सबको हम साइड में करेंगे और हमारा एम्पलीफायर बोर्ड को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हो एल और आर। आप चाहे तो एक स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो। और ये चार्जिंग सॉकेट की जो पावर है, ये जाएगा यहाँ पर, हमारा चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इन वायर को सोल्डरिंग करना है, नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये स्विच के लिए है, और ये बैटरी के लिए है। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए और इस बोर्ड को बनाइए, और आपको सब पता चल जाएगा अगर उस वीडियो को आप देखते हो। तो उसके बाद हम चार्जिंग सॉकेट के जो वायर है इसको हम लेंगे और चार्जिंग सॉकेट के ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे, जहाँ पर हमारा जो पीसीबी के ऊपर चार्जिंग सॉकेट सोल्डरिंग किया हुआ है। तो मैं उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिया हूँ, देख सकते हो। अब हम स्विच को वायर को लेंगे और यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, जहाँ पर स्विच को जगह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम स्विच को वायर को सोल्डरिंग करेंगे, यहाँ पर जगह है जो हमने सर्किट को बनाया था, एम्पलीफायर सर्किट को। तो हमारा हो चुका है, और स्विच ऑन करने से ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी। तो ये स्पीकर के वायर को हम पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम चला कर देखेंगे। तो मैं फिलहाल एक स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो दो स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, कनेक्शन हमारा एकदम रेडी हो चुका है, और हमने स्पीकर को वायर को थोड़ा लंबा कर दिया। तो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर पावर देने से ब्लू एलईडी ग्लो करेगी, और स्पीकर ऑन करने से हमारा ग्रीन एलईडी ग्लो करेगा। तो मैं स्पीकर को ऑन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो, और ग्रीन एलईडी भी हमारा ग्लो कर रही है। तो ऑफ करने से ये फिर से ऑफ, और ऑन करने से ये ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी, और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो रन करेगी। तो ये हो चुका है, हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट ना हो यहाँ पर। तो इसके लिए हम कुछ कपड़ा का टुकड़ा यूज़ करेंगे, देख सकते हो, मैं गमछी का टुकड़ा ले लिया हूँ। इसको अच्छे से यहाँ पर दे देंगे, एकदम अच्छे से फील करेंगे। तो अगर हम इसको अच्छे से फील करेंगे तो हमारा साउंड का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होगा, साउंड फटेगा नहीं। तो इसलिए हम इस गमछी का जो टुकड़ा है इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा एकदम ब्लूटूथ स्पीकर जो बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं इसको साइड में फेक के द्वारा चिपका दूंगा। तो डन हो चुका है गाइस, देख सकते हो। जब चार्ज करेंगे तब हमारा ब्लू एलईडी ग्लो करेगी, इन दोनों में से किसी होल में दिखेगी, और जब हमारा स्पीकर ऑन होगी तो ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी। तो मैं पहले आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ब्लू एलईडी ग्लो कर रही है बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से दिख रही है। तो दोस्तों, मैं पावर को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है, हमारा स्पीकर भी ऑन हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे से काम हमारा कर रहा है। तो चलिए हम इसके ऊपर एक मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करके गाना चला कर आपको दिखाते हैं। Yeah.
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड।